हेलो जय दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का बीपीएस एग्जाम्पल पर। हम एग्जाम्पल को लम से क्रांति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेली सुबह दोस्तों 5 बजे आप लोग सभी लोग मेरे साथ करंट अफेयर की दुनिया में एक बार एंटर करते हो, वो भी दोस्तों अपने पुराने उसी टारगेट के लिए 67 बीपीएससी जो हमारा वर्तमान में टारगेट है। लेकिन टारगेट की बात करें बीपीएससी का, जो ऑल बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों आपके लिए हमेशा रहेगा, ऑल बीपीएससी जो एग्जाम होंगे इन एग्जाम के लिए हमेशा दोस्तों आपका टारगेट इस चैनल पे आपका हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों रहने वाला है। अगर दोस्तों हम लोग आज की बात करें तो आपको ध्यान देना है, आज का जो टॉपिक था वो है आर्ट एंड कल्चर का। लेकिन दोस्तों आर्ट एंड कल्चर जो है वो आपके स्टैटिक जो के जो टीचर्स हैं दोस्तों वो आपको कवर कराने वाले हैं। लेकिन जो अपडेट कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा काम है सारे के सारे करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को कवर करना। टॉपिक कवर कराने के बाद में जो टॉपिक ऐसा टॉपिक जैसे इकोनॉमी वगैरह का है, उसमें इकोनॉमी हम आपको क्या ही पढ़ाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। एक दो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इकोनॉमी वाले टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। जो पॉलिटिक्स रिलेटेड है, जो अपडेट रहे होंगे वो सारे के सारे हम आपको करवा देंगे। जो आपके टॉपिक बैच और जो करंट अफेयर के एमसीक्यू होंगे मिसलेनियस, उसमें आपको दोस्तों कवर हो जाएंगे। आज इस क्लास में टॉपिक से रिलेटेड ही हम लोग दोस्तों टॉपिक बैच करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, जो लास्ट 6 मंथ से दोस्तों आपकी स्टार्ट है। ये तब तक हम लोग चलाएंगे टिल एग्जामिनेशन तक, जैसा बताया जाएगा उसी अकॉर्डिंग हम लोग दोस्तों आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। तो एक बार सभी का दोस्तों फिर से स्वागत है। सर फिर से दौड़ के आई, अच्छा जी 15 को एग्जाम है, 15 को दिया दरभंगा में मेरा। अच्छा दरभंगा वही जहाँ पे मखाना पैदा होता है ना भाई, जहाँ पे मखाना पैदा होता है वही तो है ना दरभंगा। इसी के साथ दोस्तों करते हैं आज के सेशन का आगाज। और आप लोग जो कहते थे ना मिसलेनियस क्वेश्चन लाओ, आज ये क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आपके स्टार्ट है। एक तरफ से दोस्तों हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करना है, बस आपको क्वेश्चन का आंसर बताना और आगे बढ़ना है। ये वन शॉट रिविजन है, याद रखना दोस्तों ये जो सेशन आपका होने वाला है, ये होने वाला है दोस्तों वन शॉट रिवीजन, ठीक है। आज का जो सेशन है दोस्तों ये होने वाला है वन शॉट रिवीजन एज अ आर्ट एंड कल्चर के रिप्लेस करके, ऐसे समझो। हाल ही में दोस्तों किस शहर में, और पहला टॉपिक है गवर्नमेंट मिशन एंड ऐप एंड योजनाएं जितनी लॉन्च हुई है जनवरी 2022 में सारी की सारी, एक एक करके सब कुछ कवर करेंगे, याद रखना। हाल ही में किस शहर में राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है, राइट टू पी अभियान का शुभारंभ क्या संबंध भारत के किस राज्य से है। पेपर के चक्कर में नींद नहीं आती है, बहुत अच्छी बात है, पेपर नहीं सपनों के चक्कर में कहो, बताइए। हाल ही में किस शहर में राइट टू पी अभियान का दोस्तों शुभारंभ किया गया था, राइट टू पी अभियान का दोस्तों शुभारंभ किया गया था, ठीक है। इसका संबंध अगर बाय चांस आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखना सुरक्षित, और इसका जो मुख्य दोस्तों संबंध है ये किससे है, तो याद रखना दोस्तों इसका संबंध है सुरक्षित तथा दोस्तों याद रखना सुरक्षित तथा मुफ्त शौचालय, सुरक्षित तथा मुफ्त शौचालय, ठीक है, मुफ्त शौचालय से इसका दोस्तों संबंध है। इसका दोस्तों शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो याद रखना इसका शुभारंभ आपके नागपुर के अंदर किया गया था। और सर नागपुर कहां पे, तो याद रखना नागपुर आपका हमारे महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो शौचालय वाली मुफ्त योजना थी, इस मुफ्त योजना के नाम से इसको जाना जाता है ओडीएफ को, ओडीएफ फ्री गांव भारत का पहला कौन सा बना है, ओडीएफ फ्री भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है, तो लिख लो कॉपी में, भारत का पहला राज्य ओडीएफ फ्री बन चुका है जिसका नाम है तेलंगाना, लिख लो तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जो ओडीएफ फ्री बनाए जाओ, जो बाहर जो लोग शौच करने जाते हैं उनसे मुक्त हो चुका है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखना इसी से रिलेटेड है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दोस्तों किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया है, इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन का शुभारंभ अभी हाल में दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, इंडिया सेमीकंडक्टर को दोस्तों लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, अमित शाह या निर्मला सीतारमण, जैसा कि आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, हम आपको सारे कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर और राज्य के बिहार के स्टेट मिनिस्टर सारे करवाएंगे, परेशान मत होना, एग्जाम से पहले मेरा वादा है। राजनाथ सिंह की बात करोगे दोस्तों, ये इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है, DEFENSE, डिफेंस मिनिस्ट्री। अमित शाह के पास कौन सा अफेयर्स है, तो याद रखना दोस्तों होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम।
निर्मला सीतारमण के सर पास किया, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FINANCE, फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के मिनिस्टर है। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? आंसर दोस्तों आपका ए आ रहा है, अश्विनी वैष्णव दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रेलवे के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के पास है। रेलवे के साथ साथ दोस्तों याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपके इन्हीं के पास दोस्तों रहने वाली है। इन्हीं के द्वारा सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको संपूर्ण स्टेट्स में लेकिन किस राज्य में, अगर पूछ दिया जाए इसका संबंध किस राज्य से है दोस्तों मिशन का, तो याद रखना मिशन का संबंध आपके कर्नाटक से है। कर्नाटक का जो हमारा राज्य दोस्तों कर्नाटक इससे है। लेकिन अगर आप लोगों में से करंट अफेयर किसी ने पढ़ी है तो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, किस राज्य ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया है? बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दो दोस्तों, सेमीकंडक्टर पॉलिसी को दोस्तों किसके द्वारा भी हाल में लॉन्च किया गया था? पॉलिसी आपसे दोस्तों पूछी गई है, क्या वाडा फर्स्ट ओडीएफ सिक्किम बता रहा है? वाडा कौन है सर, ये कमेंट कब का करा रहे हैं, करंट कब का करा रहे हैं? निशा शर्मा जी, रिवीजन, और रिवीजन का मतलब होता है पुराना का मतलब ये नहीं है कि 19वीं सदी के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये सारे टॉपिक कवर कराने के बाद में डेली करंट अफेयर स्टार्ट होगी, अभी नहीं होगी। डेली करंट अफेयर करनी है तो फिर आप लोग मेरे साथ कवर कर सकते हो, ठीक है निशा शर्मा जी, समझ गई बात को, बढ़े आगे। आंसर गुजरात है, बिल्कुल जिसका आंसर गुजरात है दोस्तों एकदम करेक्ट है। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखना गुजरात सरकार के द्वारा। अगला है दोस्तों तीसरा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ दोस्तों कहां पर किया गया था? शायद हमने आपको 2 या 3 दिन पहले क्वेश्चन बताया था मिनिस्ट्री वाले में से। पढ़े भारत का जो संबंध है दोस्तों इसका संबंध अभी हाल में धर्मेंद्र प्रधान से है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किससे संबंधित है, तो याद रखना दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ MINISTRY, मिनिस्ट्री ऑफ दोस्तों एजुकेशन, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा पढ़े भारत दोस्तों अभियान का शुभारंभ बिहार में किया गया था। क्यों किया गया था, तो याद रखना इंप्लीमेंट के लिए। किसकी इंप्लीमेंट के लिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के कस्तूरी रंगन के द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी। भारत का पहला राज्य कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश, और उच्च संस्थानों वाला पहला राज्य गोवा, इसके लिए इसका शुभारंभ दोस्तों किया गया है। NEP 2020 को बायकॉट करने वाला दोस्तों भारत का पहला राज्य कौन सा है? बायकॉट करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा है, तो याद रखना बायकॉट करने वाला भारत का दोस्तों जो पहला राज्य बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, याद रखना हमारा तमिलनाडु, लिख लो कॉपी में, ठीक है। कौन सा राज्य बना है दोस्तों, याद रखना हमारा तमिलनाडु। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल को दोस्तों भी हाल में लॉन्च किया था? ऐसे क्वेश्चन हमेशा वन लाइनर याद किया करो, रक्षा पेंशन है और कौन मंत्रालय, रक्षा का संबंध किससे, डिफेंस, और डिफेंस का मंत्रालय कौन सा है, राजनाथ सिंह के पास, खत्म क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार मिशन को दोस्तों लॉन्च किया था? रोजगार मिशन भी हाल में भारत के अंदर लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये बताइए। इसी के साथ में रोजगार बजट, ठीक है, रोजगार बजट अभी हाल में किसके द्वारा पारित किया गया? इसी के तहत रोजगार बजट के बारे में एक और दोस्तों नया क्वेश्चन बनता है यहां पर, क्वेश्चन ये बनता है रोजगार बजट के बाद में रोजगार मेला किसने लगाया था? रोजगार दोस्तों जो मेला था वो किसके द्वारा लगाया गया था, ठीक है। और यहां पर दो क्वेश्चन निकलते हैं, मैक्सिमम बेरोजगारी किस राज्य में है, मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट किस राज्य में है, और मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट किस राज्य में है, और मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों किस राज्य के अंदर है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दोस्तों देने हैं। एक बार सभी लोग सबसे पहले क्लास को शेयर करके क्लास को 100 क्रॉस कराओ फटाफट से, 100 क्रॉस दिल्ली, ओके। देखो सबसे पहले रोजगार जो बजट है, ऊपर क्वेश्चन का आंसर है, अच्छा ऊपर रोजगार मिशन है, रोजगार मिशन को भी हाल में छत्तीसगढ़ के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में आज 29वां, 30वां, 31वां 3 जिले नए बनाए जाएंगे, ये आज की करंट अफेयर है, अभी हम पढ़ा के आए हैं, देख लेना, सेशन ना देखा हो। रोजगार बजट को दोस्तों लॉन्च किया है दिल्ली के द्वारा,
किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। रोजगार मेला का शुभारंभ किया था किसके द्वारा? याद रखना दोस्तों अब आपकी गुजरात सरकार के द्वारा। मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे कम बेरोजगारी सर कहाँ पे है? तो ये याद रखनी है आपको CHHA में, यानी कि आपके छत्तीसगढ़ में सबसे कम जो बेरोजगारी आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेगी वो आपके छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे कम बेरोजगारी है। याद हुआ? अगला देखो, हाल ही में एनिमेशन विजुअल ठीक है इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स, इसका नाम था AVGC सेंटर। नाम क्या था? AVGC सेंटर। ये भारत का पहला AVGC सेंटर होगा। इसको कहां पर लॉन्च किया गया है? कर्नाटक के अंदर इसको अभी हाल में लॉन्च किया गया था, भारत का पहला AVGC सेंटर। क्लियर है? जो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए है और भारत को अपडेट रखने के लिए बेहतर है। ये क्वेश्चन शायद आपने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा जब आप लोग डेली करंट अफेयर में मेरे साथ हो गए। जैसे कब सर? जैसे मेरा तरीका आपने करंट अफेयर का जानते ही होगे, करंट अफेयर के एक क्वेश्चन के साथ में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक साल का डाटा आपको पढ़ाना, ये आपको पता है मेरी करंट अफेयर में। तो कल हमने आपको कर्नाटक पढ़ाया था, कल की करंट अफेयर का तीसरा या चौथा क्वेश्चन था कर्नाटक का, कुछ कुछ आया था क्वेश्चन, शायद कोई अभियान था। नहीं, कर्नाटक ने कल दोस्तों एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया है। हाँ, कल कर्नाटक ने एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया था विजुअल आयराइज करके, तब पढ़ाया था और तब हमने आपको रिविजन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया था। अगर आप डेली दोस्तों करंट अफेयर में रहोगे ना तो उससे फायदा क्या है कि मेरे करंट पढ़ाने के फायदे में आप लोग बहुत ज्यादा ऐड हो जाओगे। वो स्टूडेंट SSC वाले सारे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उसमें ऐड हुए उसमें क्या है आपके भी पढ़ाएंगे, लेकिन कब पढ़ाएंगे? जब ये सारे सेशन हो जाएंगे उसके बाद। कैसा क्या हो पता नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दोस्तों अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च किया है? कांगड़ा ऐप का दोस्तों संबंध किससे है? कांगड़ा ऐप, तो याद रखना कांगड़ा एक प्रकार की चाय है, ठीक है, ये एक प्रकार के दोस्तों चाय भी है, कांगड़ा एक प्रकार के दोस्तों चाय भी है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना ये आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सबसे पहले अपड़ा कांगड़ा, अपना कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा अगर आपसे दोस्तों पूछ दिया जाए एक प्रकार की टी भी है, हिमाचल प्रदेश की चाय भी है। इसको दोस्तों याद रखना GI टैग कब दिया गया था? 1995 में दोस्तों इसको GI टैग दिया गया था। अब इसको प्रस्तावित किया गया है कि इसको एक और टैग दे दिया जाए जिसका नाम होता है यूरोपियन टैग, ताकि ये जो चाय है संपूर्ण यूरोप के देशों में भी बेची जा सके, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये सारा टॉपिक था जनवरी के महीने में जितने अवार्ड थे सारे खत्म। अगला टॉपिक है दोस्तों, सॉरी, जितने भी अभियान योजना एप्लीकेशन से सारे खत्म। अब अगला टॉपिक है अवार्ड एंड ऑनर्स 2022 जनवरी के महीने के। हाल ही में जारी साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची में किस हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? किसने दोस्तों हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? किसको दोस्तों दिया गया है बताइए? अगर किसी को पता हो तो क्वेश्चन कैसे बताइए। दया प्रकाश सिन्हा, क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये दोस्तों याद रखना दया प्रकाश सिन्हा होगा। हिंदी के लिए इनको दोस्तों मिला है। कोई बताएगा किस बुक के लिए मिला है? कोई बताएगा इनकी कौन सी दोस्तों बुक है, किस बुक के लिए मिला है? और यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाता कि 2020 का दोस्तों किसको मिला था, तो याद रखना अनामिका को। किसको दोस्तों? याद रखना अनामिका। किसको मिला था दोस्तों? याद रखना आपकी अनामिका को मिला था। अगर हम आपसे पूछ दिया जाए, अगर बाय चांस आपसे पूछ दिया जाए कि सर हिंदी भाषा हो गया, अगर हम आपसे पूछ दें इंग्लिश भाषा में 2021 तक इसको मिला है, इंग्लिश में 2021 का ENG इंग्लिश में दोस्तों 2021 का सर किसको मिला था, तो याद रखना नामिता गोखले को। नामिता गोखले को दोस्तों इससे सम्मानित किया गया था। ये बात याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? यहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि सर जी, अगर आपसे यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दें
साहित्य का नोबेल, अगर यहां पे पूछते हैं दोस्तों साहित्य का नोबेल, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का दोस्तों जो नोबेल प्राइज है, इससे किसको सम्मानित दोस्तों किया गया था? अब्दुल रज्जाक गुरना को। किसको दोस्तों याद रखना? अब्दुल रज्जाक गुरना, ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुरना इनका दोस्तों नाम था। एक और दोस्तों क्वेश्चन लिखिए, अभी हाल का एक और क्वेश्चन है, 57वां और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, 56वां दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 56वां ज्ञानपीठ जो दोस्तों पुरस्कार है, इसको किससे सम्मानित किया गया था? तो याद रखना आपके फूफा जी को। किसको दोस्तों याद रखना? नीलमणि फूकन को। नीलमणि नाम क्या था दोस्तों याद रखना? नीलमणि फूकन इनका नाम था। यही पर 57 पूछ दिया जाए दोस्तों तो क्या करोगे? तो याद रखना दामोदर मौजो नाम क्या था दोस्तों? दामोदर मौजो इनका नाम था, ठीक है, दामोदर मौजो इनका नाम था। अब्दुल रज्जाक गुरनहार तंजानिया, ओके। ये सारा का सारा पूरा का मैटर में कवर हुआ। हमने ऐसे पूछा साहित्य अकार दया प्रकाश सिन्हा को किस बुक के लिए मिला है, ये आपको दोस्तों बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए गए हैं दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों जो दिया गया है, ये किस बुक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दोस्तों दिया गया था, ये पूछा है हमने आपसे। जी बिल्कुल, कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो भारतीय भाषाएं हैं जो हमारे उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में ऐड है। बताइए फटाफट से, सम्राट अशोक के लिए, और नाम था गोखले को मिला था दोस्तों प्ले नोबेल में। अगला है दूसरा, हाल ही में किसे अखिल भारतीय सांविद अनुसंधान परियोजना ने 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार देने का दोस्तों निर्णय लिया है, या दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है निम्नलिखित में से किसको दिया गया था? सिर्फ एक को, केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को, ठीक है। बस अगला है तीसरा, हाल ही में किससे फोटो जर्नलिस्ट को मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड 2020 से दोस्तों सम्मानित किया गया? इन क्वेश्चन में टाइम बर्बाद नहीं करना क्योंकि ये क्वेश्चन के आंसर सबको पता है। दानिश सिद्दीकी, जिनका अफगानिस्तान तालिबान के मध्य में जो विवाद था, उनका दोस्तों फोटो कवरेज में निधन हो गया था। हाल ही में किसने मैसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 को भी हाल में दोस्तों जीता है? किसके द्वारा जीता गया? ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं परसों नर्सों, तो डॉक्टर कामनी राव, डॉक्टर नंदनी मुणंकर, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा या डॉक्टर निकिता रोकल के द्वारा? तो ये जीता है दोस्तों, याद रखना, डॉक्टर निकिता शोकाल के द्वारा दोस्तों इसको भी हाल में जीता गया है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर बाय चांस दोस्तों हम आपसे पूछ दें, वैसे पढ़ा चुके हैं लेकिन एक बार आदत से मजबूर हैं, एक बार कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। मिस अर्थ 2021, मिस EARTH, मिस अर्थ 2021 से दोस्तों किसको चुना गया था? इसी के साथ एक और आपसे पूछता है, मिस ट्रांस कौन सा, याद रखना दोस्तों, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स, ग्लोबल दोस्तों याद रखना, UNIVERSE यूनिवर्स 2021 से दोस्तों किसको सम्मानित किया गया? एक और पूछेगा दोस्तों याद रखना, 70वीं दोस्तों याद रखना मिस यूनिवर्स, इसमें हमने वो नहीं पूछे डिवाइन वाले, बस इतना ही क्वेश्चन के आंसर दे दो, तीन क्वेश्चन के आंसर दे दो बस।
हमने आपसे वो नहीं पूछे दोस्तों डिवाइन वाले, ये तीन पूछे हैं बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल। मानुषी छिल्लर, अच्छा जी डेट भी देख लो क्या लिखी है, मिस अर्थ 2021 सम में डेट लिखी हुई है, ये आपको बताना है। देखो ये तो आपको सभी को बता होगा, 70वां इनका नाम क्या था दोस्तों याद रखना, हरनाज हरनाज संधु, ये भारत की तृतीय महिला दोस्तों बनी है, पहली बनी थी लारा दत्ता, फिर सुष्मिता सेन 2000 में, ये बनी है 2021 में, ये तो याद हो गया। दो बताइए जल्दी से, 70वीं मिस यूनिवर्स हरनाज संधु कौर, ये बिल्कुल सही है। मिस अर्थ 2021 एंड्रिया मेजा, मिस अर्थ की अगर दोस्तों अगर आपसे बात पूछ दी जाए, मिस अर्थ की तो याद रखना रश्मि रश्मि माधुरी इनका दोस्तों नाम है, रश्मि माधुरी। अगला मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब दोस्तों किसको दिया गया था, श्रुति सितारा को, श्रुति सितारा को दिया गया था, किसी का भी आंसर नहीं है, तैयारी कर रहे हैं ये। पांचवा, हाल ही में किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 से दोस्तों सम्मानित अभी हाल में किया गया है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, किशोर कुमार येदाम, सबको पता है दोस्तों एक ही चुना जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला एच है, हाल ही में किसने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दोस्तों जीता है, और रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता की श्रेणी में, ठीक है, पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ दोस्तों गोयनका पुरस्कार दिया जाता है, हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है बताइए। अगर बाय चांस जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सत्यजीत रे अवार्ड किसको मिला है, सत्यजीत सत्यजीत रे जो अवार्ड है दोस्तों ये किसको मिला है, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। एक और दोस्तों अभी हाल में शेख जायद बुक अवार्ड, SEIKH शेख जायद बुक अवार्ड किसको मिला है, शेख जायद बुक अवार्ड, और याद रखना ये अवार्ड का दोस्तों 15वां संस्करण था, इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला या पुरुषों की श्रेणी में पहला पुरस्कार है। 80 स्टूडेंट हैं इस क्लास में और आंसर आना चाहिए, नहीं तो घर से उठवा के किडनियां बिछवा देंगे, बताओ फटाफट से। आज का टॉपिक भी इसमें गलत पढ़ा है, एजेंसी इंस्टीट्यूट पढ़ा है, ये तो कल पढ़ाएंगे एजेंसी वाला क्वेश्चंस, ये आज का है। सत्यजीत रे अवार्ड दोस्तों याद रखना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला याद रखना, जीसान ए लतीफ पहला क्वेश्चन है। सत्यजीत रे जो अवार्ड है दोस्तों वो किसको मिला है, बी गोपाल को, बी गोपाल को दोस्तों बिहार में दिया गया फिल्म क्षेत्रों में। शेख जायद बुक अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है, ये 15वां दोस्तों संस्करण था इसका, 15वां संस्करण था, संयुक्त अरब अमीरात की तरफ दिया जाता है, अभी हाल में प्रथम प्राप्तकर्ता बनी है ताहिरा, ताहिरा दोस्तों कुतुबुद्दीन, नाम क्या है ताहिरा कुतुबुद्दीन इनका नाम है। नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने UiPath ऑटोमेशन एक्सपेरिमेंट्स अवार्ड 2021 दोस्तों बिहार में जीता है, ऐसे क्वेश्चंस को याद करने का लगभग में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछ ले जाते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आउट ऑफ एरिया में दोस्तों गिने जाते हैं, इनका हमारे लोगों के उसमें दोस्तों कोई यूज नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन को लगभग हम लोगों को दोस्तों याद करने पड़ते हैं। बताइए किसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अगला दोस्तों 8वां, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, बताइए भैया। एक मिनट रुकना, इस क्वेश्चन का आंसर साउथ इंडियन बैंक है, साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, वैसे इसके पर देना कोई मतलब नहीं है। तीसरे जल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया लगातार दूसरी बार, बताइए।
चलिए क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उत्तर प्रदेश। यहीं पर अगर हम आपसे पूछते हैं दूसरा राज्य कौन सा चुना गया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, जल संरक्षण में दूसरा स्थान किसका चुना गया दोस्तों, तो याद रखना आपके राजस्थान का। नंबर दो पे कौन सा राज्य आया दोस्तों, राजस्थान। और यहीं पे पूछ दिया जाए सर तो भारत का तीसरा भी कोई तो राज्य होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, इस राज्य का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखना तमिलनाडु भारत का ऐसा करने वाला तीसरा राज्य आपका बन के तैयार दोस्तों हुआ है। एक और चीज याद रखना, उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है 2020 में जल संरक्षण करने वाला, तो याद रखना दोस्तों मुजफ्फरपुर। नाम क्या है पुर का, तो याद रखना मुजफ्फर, यार मुजफ्फरपुर कौन सा बना है दोस्तों, मुजफ्फरपुर। और यहीं पर अगर आपसे पूछते हैं नंबर दूसरा दोस्तों कौन बना है दूसरे पर, तो याद रखना दोस्तों आपका पंजाब, पंजाब का शहीद भगत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह जो नगर है दोस्तों, ये भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है, तो राज्य का वो बना है आपका जिला जल संरक्षण के लिए। अगला है दोस्तों नौ, हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से दोस्तों सम्मानित किया गया, हर साल मल्होत्रा बजरंगी भाईजान मूवी 2015 के लिए। हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का दोस्तों खिताब अभी हाल में जीता है, किसके द्वारा ये खिताब अभी हाल में दोस्तों जीता गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके बताइए। किसके द्वारा भी हाल में यह किताब जीता गया है, स्पीड से बताओ। आंसर बी और ए, देखो वर्तिका सिंह कभी नहीं, ये भी कभी नहीं, ये भी कहीं में नहीं, नवनीत कौर के द्वारा। नंबर 11, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, यह प्रतियोगिता यूएई में दोस्तों आयोजित की गई थी और स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों याद रखना सुमित भाले के द्वारा। इनका संबंध कहां से है, तो याद रखना इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से है, कहां से है महाराष्ट्र से, गोल्डन अवार्ड जीता था नर्तकी में। 12, हाल ही में किसे 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर दोस्तों चुना गया था, बच्चों वाला, तो याद रखना एंजाइटी को। खत्म। अगला है 13, हाल ही में किससे टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड 2022 से दोस्तों सम्मानित किया गया, TX2 अवार्ड 2022 दोस्तों भी हाल में किसको दिया गया है, किसको दिया गया बताइए TX2 अवार्ड। ये तो आपसे एक ही पूछा है दोस्तों, लेकिन ये दिए कितने गए हैं दोस्तों याद रखना 2022 में दो, ठीक है, दो नेशनल पार्कों को दिए गए हैं, लेकिन आपसे सिर्फ एक पूछा है, अगर दो पूछे गए हैं जो दूसरा वाला है दोस्तों वो किसको दिया गया, बर्दिया नेशनल पार्क को दूसरा दिया गया दोस्तों याद रखना बर्दिया, किसको दिया गया बर्दिया नेशनल पार्क को। ये पार्क कहां पे है, तो याद रखना पड़ोसी देश आपका नेपाल, बर्दिया नेशनल पार्क आपके नेपाल के अंदर है। पहला दोस्तों जो दिया गया है वो दिया गया है आपके सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पे है दोस्तों, तो याद रखना ये आपके तमिलनाडु के अंदर है, इसको पहला मिला है और इसको दोस्तों दूसरा मिला है, लेकिन बाई चांस 2022 का है, बाई चांस आपसे 2021 का पूछ दिया जाता तो क्या करते, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों याद रखना पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखोगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत दोस्तों टाइगर रिजर्व को इससे सम्मानित किया गया था, याद रखोगे। तनु मैं तुमसे अब ना बोलूंगा, बोलेंगे अच्छा, तुम क्लास में पंचायत कर लो हैं, जी सर।
पीलीभीत को दिया गया था। आपको दिक्कत, भारत के अंदर टोटल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है दोस्तों, 53, और चर्चित टाइगर रिजर्व आपको स्टैटिक वाले सर ने पढ़ाए होंगे, और नहीं पढ़ाए होंगे तो वह मेरा भी टॉपिक है। सर अगर अभी सीए का बुक लूं तो आफ्टर टू ईयर चेंज हो जाएगा ना, आफ्टर टू ईयर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या दिया, दिया कुमारी जी क्या पूछना चाहते हो, आप पूछना क्या चाहते हो? सर प्लीज थोड़ा धीरे पढ़ाइए सर, आंसर कम कमेंट ज्यादा देख लेते हैं, सर आंसर कम कमेंट ज्यादा देख लेते हैं, क्या बताएं आपको। नंबर 14, हाल ही में असम सरकार ने किस व्यक्ति को असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया, ये वन लाइनर है, खत्म करो देखो और निपटा दो। अगला, हाल ही में किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा, और परम विशिष्ट सेवा मेडल दोस्तों तब दिया जाता है मरणोपरांत व्यक्ति को, घोषणा की गई है कि इनको दिया जाएगा और दिया जा चुका है, लेकिन हाथों में कब सौंपा जाएगा, मतलब दिया प्रॉपर तरीके से कब जाएगा, इनकी डेथ के बाद, तो ये दिया जाएगा नीरज चोपड़ा को, मरणोपरांत दिया जाता है। हाल ही में दोस्तों ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, ये क्वेश्चन अवार्ड में हमने आपको पढ़ाया था, कुंजल गर्ल मूवी को, किसको दिया गया था, कुंजल गर्ल दोस्तों मूवी को, याद आया। चलिए अगला देखो, हाल ही में किस देश के पूर्व चीफ मिनिस्टर को नेताजी अवार्ड दिया गया, इसका आंसर आप बताओ। नेताजी अवार्ड, हमने आपको अवार्ड में पद्मभूषण पद्मविभूषण, और कल के दिन भी शायद हमने आपको कुछ कुछ ऐसे, कल का जो टॉपिक था उसमें हमने आपको ये पद्मभूषण पद्मविभूषण सारे करवाए थे, ठीक है, जितने दिए गए हैं वो सारे हमने आपको दोस्तों करवाए थे, तो उसी में हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि जो अवार्ड 2021 में दोस्तों पद्मभूषण दिए गए थे, पद्म अवार्ड, उनमें 7 पद्म विभूषणों में से किसी एक अवार्ड को दोस्तों दिया गया था सिंजु आबे को, कौन सा, पद्मभूषण विभूषण को, और यही याद रखना, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी डेथ हो चुकी है बिहार में, गोली मारकर हत्या कर दी गई है, सिंजु आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया था, याद हुआ। बढ़े आगे, अगला देखो 18, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का दोस्तों खिताब जीता है, कोई इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या होगा, सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 खिताब किसके द्वारा जीता गया है, राहुल रंजन, राजीव कुमार यूपीएससी, कंचन, गौरव कुमार, राघव झा, बबली कुमारी, लक्ष्य सेन, तनु प्रिया, पलक ठाकुर, आकाश मिश्रा, निशा शर्मा, मुस्कान भारद्वाज, अभी कोई रिपीट नहीं हुआ, कृष्णा कुमार, रिकॉर्डेड क्लास है, अच्छा ये नाम ही रख लिया अपना, मिस अंकिता, साइस्ता बेगम, यश मौर्य, राहुल रंजन, कंचन, पूजा गुप्ता, कृष्णा कुमार, मिस्टर हैकर 2.0, मनीषा कुमारी, नीरज कुमार, और कोई बच गया, अभी क्लास 100 क्रॉस नहीं हुई है, सिर्फ 11 स्टूडेंट कम है, और अगर आप चाहो तो बहुत आगे क्लास जा सकती है, चाह लोगे तो, निरंजना चौधरी, ओके बताएं आंसर। चलिए याद रखना, जिसका आंसर दोस्तों बी है वो एकदम करेक्ट है, पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। 19वां दोस्तों, हाल ही में किस अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन का दोस्तों अवार्ड जीता है, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को जागरूकता प्रदान कराने का काम सुष्मिता सेन के द्वारा किया गया, इसलिए अवार्ड सुष्मिता सेन को दोस्तों दिया गया था। अब है क्वेश्चन दोस्तों न्यूली अपॉइंटमेंट जनवरी 2022 की, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट का, इससे रिलेटेड 1 से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछ ही लिए जाते हैं हर एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही दोस्तों निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है, भारत का दोस्तों नया राजदूत अभी हाल में किसको बनाया गया है, ये बात आपको बतानी है, बतानी है दोस्तों, दोस्तों नवासी स्टूडेंट है, बस एक बार शेयर करोगे तो काम हो जाएगा भाई मेरे, सिर्फ एक बार, राजीव कुमार जी कोई बात नहीं, मान नहीं सकते, शेयर तो कर ही नहीं सकते सर, कुछ भी हो जाए, विकास रावत को, सर हमको भूल गए, नहीं दिया कुमार जी आपको क्यों भूल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या होगा, भूल गए दोस्तों, हाल ही में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के
नए राजदूत का दोस्तों जो नाम है उनका नाम क्या है, तो याद रखना अनुपम रायन का दोस्तों नाम था। अगर हम आपसे पूछ दें यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है, भारत के दोस्तों स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है, आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, जो यूपीएससी के लगभग में बराबर है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आंसर बता दिया तो शेयर मत करना, और अगर आंसर नहीं बता पाए तो क्लास को शेयर करोगे, बस इतना याद रखना। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अनुपम राय हो जाएगा इसका आंसर, पहला जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर दे दो, जो हमने आपसे पूछा है बस, जो आंसर देगा वो शेयर नहीं करेगा, बाकी सारे करेंगे। जिसका आंसर रुचिका खंबोज एकदम करेक्ट है, ठीक है, याद रखना RUCHIKA रुचिका खंबोज दोस्तों, रुचिका खंबोज क्वेश्चन का आंसर इन्होंने TS त्रिमूर्ति का स्थान दोस्तों लिया था। नंबर दो, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के दोस्तों अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग विनय कुमार त्रिपाठी को। नंबर तीसरा, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का दोस्तों कार्यभार संभाला है, हजारों बार क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा, VS पठानिया, नाम क्या है इनका, VS पठानिया। नंबर चार, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक रूप में नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नदी वाला, इसका आंसर आप बताइए। बताइए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए जो महानिदेशक बनाए गए हैं उन महानिदेशक का दोस्तों नाम क्या बन जाएगा, ठीक है, याद रखना अशोक कुमार को दोस्तों बनाया गया है, इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया था गंगा की सफाई करने के लिए, फिर ऑल द अबव सब में किया गया है। हाल ही में दोस्तों किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया था, ONGC की पहली महिला, ONGC की पहली महिला निदेशक बनी, उनका नाम क्या है, और याद रखना बनी थी, इनको भी रिटायरमेंट दे दिया गया, सर कब दिया गया, कल के दिन, किसी ने कल करंट अफेयर पढ़ी थी, किसी ने दोस्तों कल करंट अफेयर पढ़ी थी, अगर आपने कल करंट अफेयर पढ़ी होगी तो आपको हमने सारी महारत्न कंपनियों कल या परसों सारी महारत्न कंपनियां और ONGC के फिर से नए अध्यक्ष बन चुके हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था दोस्तों, सबसे पहले बताया था ONGC की पहली महिला जो अध्यक्ष थी उनका नाम था अलका मित्तल, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि अब इनको फिर से रिटायरमेंट दे दिया गया, राकेश कुमार श्रीवास्तव नए बने हैं, ये क्या हो गया दोस्तों, ये फिर से रिटायर हो गई है, रिटायर होने के बाद में फिर से दोस्तों जो न्यू बने उनका नाम क्या है, राकेश कुमार श्रीवास्तव, नाम याद रखना दोस्तों, राकेश कुमार दोस्तों श्रीवास्तव जो है वो नए नवेले दुल्हन, सॉरी यार क्या बोल दिया, नए नवेले ONGC के अध्यक्ष बने हैं। नंबर छह, हाल ही में किसे US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों बिहार में नियुक्त किया गया है, US इंडिया बिजनेस काउंसिल, जब भी अपॉइंटमेंट करंट अफेयर में पढ़ाते हैं तो उस अपॉइंटमेंट के साथ में जितने भी चर्चित अपॉइंटमेंट रहती हैं उन सब का दोस्तों रिवीजन साथ में करवाते हैं, उसी में आपको याद रखना है अतुल केशव जो है दोस्तों वो बने हैं अब की बार US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष। नंबर सात, हाल ही में दोस्तों किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति का दोस्तों अध्यक्ष अभी हाल में चुना गया है, सर जी किसको चुना गया है, तो याद रखना TS त्रिमूर्ति जो पहले यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, इनका स्थान रुचिका खंबोज ने लिया, ये आतंकवादी समिति के अध्यक्ष बने क्योंकि भारत एक साल तक इस समिति को की अध्यक्षता कर रहा है 1 दिसंबर तक। आठवां, समझ गए, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोर्सर्स को दोस्तों नियुक्त किया गया था, सैफ अली वर्मा, क्रिकेटर खत्म। अगला है नौ, हाल ही में भारत सरकार ने किसको कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष रूप में दोस्तों फिर से नियुक्त कर दिया है,
विजय पॉल शर्मा बताइए, आयोग है दोस्तों, और क्वेश्चन का आंसर आप ही बताएंगे इसका। आपने पता है आज दिल तोड़ दिया, सही किया। विजय पॉल, ठीक है, जिसका भी आंसर है विजय पॉल। इसके बारे में और कुछ जानना है? कुछ नहीं जानना ना बताना, वन लाइनर खत्म। 10, हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने किस देश किसको अपना नया बना दिया भैया, यानी कि ओपेक। ओपेक लिखा हुआ है ओ, देखो ये लिखा ओपेक, ओ पी ई और सी। ओपेक के नए सचिव का नाम क्या है, महासचिव। सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अभी हाल में पेट्रोल के दाम आप लोग जानते ही हो, बहुत ज्यादा ओपेक ऑलरेडी चर्चे में है। ओपेक के सदस्य देशों के मध्य एक संगठन ओपेक है दोस्तों, और उस ओपेक के नए महासचिव यानी कि आपके कहां गए, नए महासचिव का दोस्तों नाम क्या है, सेक्रेटरी जनरल दोस्तों कौन बने हैं। तो याद रखना, हैतम अल घिसो, नो एल क्विन, मोहम्मद यूनुफ या अब्दुल रज़ाक। क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, हैतम अल घिसो। अगला है 11, हाल ही में किसे संघाई सहयोग संगठन के महानिदेशक के महासचिव का दोस्तों कारबार सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, नाम था इनका झांग मिंग। अगला देखो हमारा 12वां, हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष का मतलब क्या है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो क्वेश्चन का आंसर था पूर्व एसबीआई उर्जित पटेल आरबीआई। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 13, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों अति वाला है, ये क्वेश्चन जो आपके सामने मंडरा रहा है ना, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है सर। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारत से रिलेटेड है। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपकी नजरों के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो सकता है आपकी नजरों के हिसाब से, बताइए। यह सबको आंसर पता होना चाहिए। तेरह का ए, ओके, चलिए। अगर आप 13 का आंसर ए दे रहे हो, एकदम करेक्ट है दोस्तों। इनसे पहले बने थे गीता गोपीनाथ, इनसे पहले मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट इंग्लिश में कहते हैं, उनका नाम था दोस्तों गीता गोपीनाथ। गोपीनाथ दोस्तों पहले थी दोस्तों, अब ये क्या बन गई हैं, फर्स्ट डिप्टी, पहली उपाध्यक्ष, याद रखना। अगला है दोस्तों 14, हाल ही में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है। जितने भी पुराने तत्व होते हैं उनको रखने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के बने हैं, राघवेंद्र तंवर। हाल ही में दोस्तों किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ रॉकेट वैज्ञानिक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है, नाम क्या था, एस सोमनाथ। नाम क्या था, एस सोमनाथ, और वो कौन बने हैं दोस्तों, आपको पता होगा, इसरो के। 16, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक विजेता किस खिलाड़ी को असम सरकार ने डीएसपी पद पर दोस्तों नियुक्त किया था, किसको किया था दोस्तों, याद रखना, लवलीना बोरोनगाहा को, याद आया दोस्तों। अगला है 17, हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में दोस्तों चुना गया है, तो भैया किसको चुना गया, सविता पूनिया को, क्योंकि अभी हाल में दोस्तों रानी रामपाल जो थे उनको चोट लग गई थी और मस्कट ओमान में एक मैच में इनको दोस्तों नियुक्त कर दिया गया था कप्तान।
हाल ही में किसे अडानी पावर के सीईओ के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है? अडानी पावर, शेर सिंह भी ख्यालिया। 19, हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक के रूप में दोस्तों किसको चुना है? ये चुना था दोस्तों आपके भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस के निदेशक, याद रखना, अविनाश पांडु। हाल ही में किसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ अप्रॉल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दोस्तों रिसेंटली के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? नरेंद्र कुमार गोयनका को दोस्तों नियुक्त किया गया था। कितने अपॉइंटमेंट बचे हैं अभी यार, क्योंकि सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट ही होती है, याद रखना। 27 क्वेश्चन थे टोटल और चल रहा है हमारा 21 बार चुका है, 6 और बचे हैं इसके। हाल ही में मैसेज वर्ल्ड 2022 का किताब दोस्तों किस से अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में मैसेज वर्ल्ड 2022 बना कौन है, यही बता दो दोस्तों कौन बना है, नाम क्या है इसका? मैसेज वर्ल्ड 2022। कितना जल्दी कराते हैं सर, अरे वो क्वेश्चन ही ऐसे थे। आप लोग भाई साहब इतना परेशान हो जाते हो ना। ये बताइए फटाफट से, मैसेज वर्ल्ड 2022। आंसर आ रहा है ए, सैफ अली फोर्ड। सस्पेंस है सर, स्पेलिंग यही होती है सर सस्पेंस की। चलिए कोई बात नहीं, याद रखना 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा सैरिन फोर्ड, ठीक है? जितने आंसर दिया करेक्ट था। हाल ही में कैसे आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी टीम ऑफ द ईयर 2021 का कप्तान चुना गया है? क्या बात है, बताइए। हाल में आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ इंडिया, आपको पता होगा अभी हाल में दोस्तों जो मैच चल रहे हैं आपके यूएई के अंदर एशिया कप, उसमें भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हमारे विराट कोहली, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, बाबर दोस्तों आजम। बाबर आजम कहां के रहने वाले हैं? तो याद रखना ये आपके पाकिस्तान प्लेयर हैं। कहां के हैं दोस्तों, याद रखना, पीए के प्लेयर हैं। अगला है 23, हाल ही में किसे HPCL के नए अध्यक्ष हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पुष्प कुमार जोशी, किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? याद रखना, पुष्प कुमार जोशी को। 24, हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में दोस्तों नियुक्त किया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने भारत सरकार के? अनंत नागेश्वरन, लिंगम वेंकट प्रभाकर, जे वेंकटरमु, महाबलेश्वर MS। तो अनंत दोस्तों अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। 25, देखो, हाल ही में भारत सरकार ने किसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष दोस्तों भी हाल में चुना था? किसको दोस्तों चुना था? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विनोदानंद झा दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या होगा? विनोदानंद झा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के दोस्तों नए MD के रूप में भी हाल में नियुक्त किया गया था? तो याद रखना, विवेक त्रिपाठी, चंचल कुमार, अशोक राठी या फिर आपके रोहित शर्मा। क्वेश्चन का आंसर याद रखना दोस्तों हमारे चंचल कुमार को नियुक्त किया गया था। किसको? ठीक है, हाँ सही है, चंचल कुमार को दोस्तों नियुक्त किया गया था। कंप्लीट। अगला दोस्तों 27, अंतिम है अपॉइंटमेंट का।
हाल ही में इफको के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इफको का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में बने उनका नाम क्या है? दिलीप सांघवी। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? ऑबिचुरी इन न्यूज, कितने लोगों की दोस्तों डेथ हुई है और जो चर्चे में दोस्तों रहे हैं। हाल ही में अनाथों की मां के रूप में लोकप्रिय किस महिला का दोस्तों निधन हो गया था? तारो देवी, किरण मोर, सिंधुताई सपकाल या फिर आपके चंद्रो दोस्तों तोमर का निधन हो गया था। सब लोग जानते हैं सिंधुताई सपकाल, बहुत ज्यादा चर्चे में ऑलरेडी दोस्तों ये रहती थी। अगला है दोस्तों एक दूसरा, हाल ही में किस ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का भी हाल में दोस्तों निधन हो गया? सिडनी पोइटियर का निधन हो गया। हाल ही में भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में दोस्तों हमारा यह स्थित है। अगला है, हाल ही में किस महान कथक नृतांगना का निधन दोस्तों हो गया था? कथक से संबंधित थी लेकिन इनका दोस्तों नाम क्या था? पंडित बिरजू महाराज। याद आया, पंडित बिरजू महाराज। अब है दोस्तों स्पोर्ट्स इन न्यूज, यानी कि जितने भी खेल के न्यूज चर्चे में रहे थे इन सारी न्यूज को हम लोग कवर करने वाले हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड दोस्तों न्यूज, कितने क्वेश्चन है टोटल स्पोर्ट्स के? तो याद रखना कुल मिला के 13 क्वेश्चन है दोस्तों, 13 क्वेश्चन है आपके। फिर आएंगी आपकी दोस्तों इंडेक्स। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 यानी कि 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय जो बने हैं दोस्तों उनका नाम क्या है? मोहम्मद शमी। याद आया, मोहम्मद शमी जी बने हैं। अगला है दूसरा, हाल ही में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की दो अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय जो बने हैं दोस्तों उनका नाम क्या है? और अगर बाई चांस दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए ठीक है, याद रखना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले आरिफ मोहम्मद खान। सबसे पहले इन्होंने दो खेल कौन कौन से? विशाल स्लैम, और नंबर दूसरे की अगर दोस्तों बात पूछी जाए तो याद रखना अल्पाइन स्ट्राइकर जो होता है, अल्पाइन जो बर्फ के ऊपर चलाई जाती है स्काइन, उससे ये दोस्तों रिलेटेड है। दो खेलों में भारत ने किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 के फाइनल का दोस्तों खिताब अभी हाल में जीता था? भारत ने किस देश को हराया था? श्रीलंका को दोस्तों हराया था। अगला है चौथा, हाल ही में दोस्तों लिजेट्स लीग क्रिकेट के ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ऑल वुमन मैच आधिकारिक टीम का दोस्तों एम्बेसडर अभी हाल में नियुक्त कर दिया? निम्नलिखित में से किसको भी हाल में नियुक्त किया गया था? मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, सैफ अली वर्मा या झूलन गोस्वामी, किसको दोस्तों भी हाल में नियुक्त किया गया था? तो याद रखना मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, सैफ अली वर्मा, झूलन गोस्वामी। तो याद रखना झूलन गोस्वामी को। पांचवा, हाल ही में किस आईपीएल 2022 और 2023 का टाइटल दोस्तों घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से आपकी बार में किसको टाइटल दोस्तों घोषित किया गया था? टाटा ग्रुप बना था आपके बार आपका टाइटल। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 का दोस्तों खिताब अभी हाल में जीता था? किसने जीता था? राफेल नडाल के द्वारा। थोड़ा जल्दी करो, टाइम ओवर हो रहा है। हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे दिसंबर 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया? एजाज पटेल। महिला को अवार्ड नहीं दिया गया था, ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, ये एकमात्र तीसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने अपने ही ओवर में संपूर्ण मैच को खत्म कर दिया, सारे विकेट खुद ही के ओवर में ले लिए। किस राज्य में पहली विश्व बदल टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 10 से
10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य दोस्तों किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा तो याद रखना आपके बिहार केरल, केरल के दोस्तों अंदर। हाल ही में बैडमिंटन अंडर 90 गर्ल्स सिंगल्स में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर एक दोस्तों बिहार में बनी थी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन बनी थी, नाम क्या होगा? ठीक है, याद रखना तस्नीम मीर, नाम क्या था इनका? तस्मीन मीर इनका दोस्तों नाम था। अगला दो देखो, नेक्स्ट है आपका दोस्तों, हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में दोस्तों बिहार में चुना गया था? किसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया था फीफा के बारे में, और करंट अफेयर में ऑलरेडी पूरा फीफा का टॉपिक खत्म हो चुका है, सारे अंडर वाले टॉपिक ऑलरेडी डन हो चुके हैं, सारे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है, ऑलरेडी पूरा टॉपिक ही आपका कवर है फीफा का। 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछा है किसको सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया था, ये नहीं हुआ था है ना, तो ये चुना गया था रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। अगला है दोस्तों 11, हाल ही में किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया, जिसको बिहार में लद्दाख ने दोस्तों जीता है, हिमाचल प्रदेश में किया गया था और किस वैली में, तो याद रखना SPI TI स्पीति VALLEY, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीति वैली किस राज्य में है, ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, स्टैटिक दोस्तों जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है भाई, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन जो है वो प्योर स्टैटिक जीके लेवल का है। प्योर स्टैटिक जीके लेवल का क्वेश्चन है ये भाई साहब। ये भी हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये वैलियां याद रखना। अगला है दोस्तों 12, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने दोस्तों हाल में जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 21 दोस्तों किसने जीता था? नोवाक जोकोविक के द्वारा, और महिला का दोस्तों जीता था ऐसे बार्टी के द्वारा, नहीं महिला के जीता था जापान की नाओमी ओसाका ने। अब की बात दोस्तों याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 राफेल नडाल ने, और महिला का जीता है याद रखना दोस्तों ऐसे बाटी, ऑस्ट्रेलियन है वो खुद, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इस प्रतियोगिता को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का हिस्सा। टोटल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कितनी होती है दोस्तों? 4 होते हैं, और हमने आपको चारों प्रतियोगिताएं ऑलरेडी स्पोर्ट्स वाले टॉपिक में कवर करा दी है। अगला है 13, हाल ही में महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक दोस्तों बिहार में जीता था? किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो याद रखना है चाइना को हराकर कांस्य पदक दोस्तों जीता था। अब आता है आपका इंडेक्स, हाल ही में चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक दोस्तों सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? कौन सा स्थान दोस्तों दिया गया है? हाल ही में चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में कौन सा स्थान दोस्तों दिया गया है? 10 सबसे बड़े हवाई अड्डे को दोस्तों चुना गया था, उसमें भारत का एकमात्र 8वें नंबर पे आया टॉप 10 में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत कौन से नंबर पे है? उल्टा पूछा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के Q1 में कौन सा रैंक हमारे दोस्तों भारत का आया है? जापान फिर सिंगापुर आपके टॉप पर है, हमारा जो भारत है वो याद रखना 83rd यानी कि दोस्तों 83वें स्थान पर वर्तमान में हमारा भारत दोस्तों आया है 111 में से। टोटल कितने थे दोस्तों? 111, टोटल 100 दोस्तों 11 थे। अगर कह दिया जाए Q4 में, अगर कह दिया जाए दोस्तों Q4 2021 में, तो याद रखना टोटल 116 देशों में हमारा जो भारत था दोस्तों वो याद रखना हमारे
90वें नंबर पे था और भारत 58वें देशों में अपने वीजा से जा सकता था। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हमारा भारत दोस्तों याद रखना 85वें नंबर पर वर्तमान में भी हाल में अवेलेबल है। शायद कल का टॉपिक ये होगा, इसके टाइटल में पड़ा हुआ है करंट अफेयर रिवीजन 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एजेंसी इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पड़ेगा आर्ट एंड कल्चर। और कल जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो होगा ये ऑर्गेनाइजेशन, और परसों आपका टॉपिक होगा इंडेक्स का, याद रखना। अगला है दोस्तों टॉपिक खत्म, अगला टॉपिक स्टार्ट बुक एंड अवार्ड्स का, बुक एंड ऑथर्स का। कितने बुक एंड ऑथर्स दोस्तों दिए गए हैं? टोटल याद रखना टोटल तीन बुक्स दी गई हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है का नाम क्या है? ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक, जयंत घोष। क्या मतलब है यार, आंसर किसने दिया था? ये रिकॉर्डेड क्लास है, वाह क्या बात है, मतलब रिकॉर्डेड क्लास है नहीं, इनका नाम है रिकॉर्डेड क्लास है ये कह रहे हैं हम। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनक्रिप्टिव, नाम क्या है? इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, पुस्तक का विमोचन दोस्तों किया गया। इस पुस्तक को लिखा ही किसने था? चंद्रचूर घोष के द्वारा। और लास्ट बुक है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पुस्तक है, इस पुस्तक को रस्किन बॉन्ड जो खुद इंपॉर्टेंट है इनके द्वारा ये पुस्तक दोस्तों लिखी गई है। अगला है दोस्तों डिफेंस न्यूज, सिर्फ तीन क्वेश्चन डिफेंस के भी होंगे जनवरी 2022 के, चार क्वेश्चन आपके टोटल हैं। हाल ही में 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश दोस्तों कर रहा है? इसकी मेजबानी याद रखना हमारे भारत की तरह दोस्तों की गई थी मिलन की। हाल ही में दोस्तों किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में पेसेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत ने रशिया के साथ अरब सागर में अभ्यास किया, नाम था इसका दोस्तों पेसेक्स। अगला है तीसरा, हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है? याद रखना फिलीपींस। ब्रह्मोस बनाए किसने हैं? भारत और रशिया के संयुक्त रूप से इसको बनाया गया है। भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन दोस्तों किया गया था? भारत ने किस देश के साथ किया था? तो याद रखना है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जापान के साथ इसका आयोजन दोस्तों किया था। ये था आपका कंप्लीट। अगला है इकोनॉमी से रिलेटेड दोस्तों आपके न्यूज। इकोनॉमी क्या मतलब आप लोग जानते ही दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इकोनॉमी से रिलेटेड इसमें दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद एक टॉपिक बचा है आपका दिवस का, उसके बाद आपका टॉपिक क्लास जो होगी वो आपकी ओवर हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा दोस्तों की है? वैसे आपके एग्जाम में देखा जाए तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आए हैं तो चार पांच क्वेश्चन खत्म कर लो। इंडसइंड बैंक ने शुरू किया है ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। अगला है दूसरा, हाल ही में $3 trillion मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी लिमिटेड में से दोस्तों कौन बनी है? एप्पल दोस्तों पहली कंपनी बनी है। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंकों का दोस्तों दर्जा दे दिया गया? अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का दोस्तों दर्जा दिया गया था? HDFC बैंक सबसे बेहतरीन बैंक जो प्राइवेट में है वो कौन सी है? HDFC बैंक किसी भी प्रकार की योजनाओं से रिलेटेड है। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स को लॉन्च किया गया? पॉप्स तो याद रखना पेटीएम मनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट डे आज का लास्ट टॉपिक, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? सर कब पढ़ाया विश्व ब्रेल दिवस आपने? कल हमने दिवस पढ़ाए थे आपको, इंपॉर्टेंट तो आपको क्या याद रखना है, विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेल की जयंती के लिए 4 जनवरी को मनाया जाता है चिन्हित करने के लिए। युद्ध अनाथों का मतलब दोस्तों जो युद्ध में बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनका दोस्तों दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? याद रखना 6 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व हिंदी दिवस, सर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है?
विश्व वर्ल्ड की बात की गई है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस मनाने की दोस्तों घोषणा कर दी है? कब बताया था? कल बताया था, 2021 में घोषणा की थी, 21 में, ठीक है, दिसंबर के महीने में 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक दोस्तों किया गया है? याद रखना, 10 से 16 जनवरी तक किया गया, 10 से 16, कुल 13 क्वेश्चन है, ठीक है, जनवरी तक दोस्तों किया गया। तो भैया कब किया गया, ये तो हो गया। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष याद रखना 15 जनवरी को मनाया जाता है, और दिसंबर को, 4 दिसंबर को नेवी, और 8 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स डे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, याद आया, नेशनल स्टार्टअप डे प्रत्येक वर्ष मोदी जी ने बनाने घोषणा की है, कब मनाया दोस्तों यह जाएगा? तो याद रखना, नेशनल स्टार्टअप डे प्रत्येक वर्ष घोषणा 16 जनवरी को हुई है, मनाया जाएगा, पहली बार 2022 को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस हम लोगों ने कब मनाया था? कल मनाया था, वो था नेशनल, और ये है दोस्तों इंटरनेशनल, नेशनल सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए, और इंटरनेशनल 24 जनवरी को, दोनों याद रखना अलग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी कल बता दिया था, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी पढ़ा दिया था, 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑलरेडी डन, कब मनाया जाता है दोस्तों? 27 जनवरी को, याद आया, 27 जनवरी को, सब वन लाइनर है, ये ऑलरेडी डन हो चुके कल वाले में। विश्व कुष्ठ दिवस प्रत्येक वर्ष जो रोग है दोस्तों कुष्ठ दिवस वाला, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 जनवरी को। ये थी दोस्तों आज की आपकी क्लास, ये सारे क्वेश्चन जो थे दोस्तों ये एकदम वन लाइनर थे, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? क्योंकि दिवस हम लोग जनवरी के ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे, दिवस ऑलरेडी हम लोग दोस्तों कल कवर कर चुके थे, ठीक है, दिवस जो है दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने कल कवर कर लिए थे। ये थी दोस्तों आज की आपकी अमेजिंग और महत्वपूर्ण क्लास। अब बताइए, कल का टॉपिक यही पढ़ा है, ठीक है, शशि चौधरी जी, कल का टॉपिक होगा हमारा एजेंसी, इंस्टीट्यूट और आपका ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सेशन को जो भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार मिलके, सभी लोग मिलके सेशन को लाइक कर दो, शेयर मत करो कोई बात नहीं, सभी लोग मिलके सेशन को सबसे पहले एक बार लाइक कर दो, ताकि 100 क्रॉस हमारे लाइक हो जाए, 100 क्रॉस हमारे लाइक हो जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के सेशन को करते हैं अंत, मिलते हैं आपके के साथ दोस्तों कल सुबह फिर से 5 बजे SSC एग्जाम एग्जाम्पल डेली करंट पे क्लास में, और स्टैटिक के लिए आपकी अपने दोस्तों क्लास में, सॉरी आपके रिवीजन के लिए आपकी अपनी क्लास में, कल सुबह फिर से 5 बजे 6 बजे दोस्तों, कल सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर में, तो मिलते हैं कल सुबह फिर से 5 बजे दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।